Hello everyone, now let's see the proof, experimental proof for semi-conservative mode of DNA replication given by Meselson and Starr. In previous lecture we have seen how DNA replicates, अपन ने उसको step wise पूरा सीखा था, उसके 7-8-9 कुछ steps मैंने आपको बता के learn करवा लिया था कि कैसे DNA के ऊपर नया DNA बनता, कैसे अलग अलग enzymes अपना काम करते. I hope आपने वो कर लिए होंगे. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो पार्ट में से एक MCQ हर बार पूछते, दो तीन एमसीक्यू इस बार, दो एमसीक्यू तो उस बार, इस बार 2020 में जो थे तो वो उसी के ऊपर से थे. तो इसके लिए आने वाले टाइम में भी हर बार एक तो भी एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन, डीएनए रिप्लिकेशन या उसके कोई तो भी हिस्से से, एंजाइम वगैरह के रोल वगैरह बिल्कुल पूछते. तो वो पार्ट करके रखो, एक एमसीक्यू आपका फिक्स हो जाता. ठीक है, पूरी स्टेप्स अपने दिमाग में बैठ गए, कैसे नए स्टैंड बनते हैं, लीडिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड, ओवर लीडिंग टेम्पलेट, लैगिंग टेम्पलेट, मैंने सब आपको बता दिया. अब आगे बढ़ते, अपन ने बोले थे स्टार्टिंग में मेसल्स, वैटसन एंड क्रिक, उन दोनों ने बोले थे डीएनए रिप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप. मींस व्हाट, व्हेन डीएनए इज सिंथेसाइज्ड तो अपना जो पैरेंटल डीएनए रहेगा, सो दैट पैरेंटल डीएनए विल सिंथेसाइज डीएनए टू डी डॉटर डीएनए इन विच वन डॉटर, वन स्ट्रैंड ऑफ ईच डॉटर विल बी अ न्यू स्ट्रैंड एंड अनदर स्ट्रैंड इज द पैरेंटल स्ट्रैंड. बराबर है, एक नया स्ट्रैंड रहता है और एक पैरेंटल, ब्लू कलर वाला जो ड्रॉ करा मैंने वो न्यू स्ट्रैंड है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, और जो ब्लैक कलर का है वो पैरेंटल स्ट्रैंड. 50% पैरेंटल मटेरियल इज कंजर्व्ड इन ईच डॉटर एंड हेंस इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन. ओके, दो और टाइप रहते, कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन, कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन और डिस्पर्सिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन. वैसा देखें तो तीन टाइप्स रहते रिप्लिकेशन के, कॉन्जर्वेटिव, सेमी कॉन्जर्वेटिव और डिस्पर्सिव. कॉन्जर्वेटिव में क्या होता, जो जो पैरेंटल डीएनए रहता सो एज इट इज वो एक डॉटर में चले जाता, और जो दूसरा डॉटर डीएनए रहता इसके ऊपर से नया बनने वाला वो अलग हो जाता और उससे पूरा नया डॉटर डीएनए बनता. मतलब एक डॉटर के पास 100% पैरेंटल डीएनए रहेगा, पूरा कॉन्जर्व हो जाएगा, और दूसरी डॉटर के पास 100% न्यू डीएनए रहेगा. इधर क्या हो रहा, आधा आधा नया पुराना रहेगा, राइट right? लेकिन इधर 100% न्यू एक डॉटर को मिलता और 100% ओल्ड, मतलब पूरा पैरेंटल की कॉपी एक डॉटर है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव. पूरा कंजर्व हो रहा ना एक में, और एक को पूरा ही नया मिला. और एक दूसरा टाइप रहता डिस्पर्सिव. डिस्पर्सिव में क्या होता, जो पैरेंटल डीएनए, ये जो ऊपर के ड्रॉ करा मुझे पैरेंटल डीएनए, ये डॉटर डीएनए, ठीक है, सो इसमें क्या होता, थोड़ा सा हिस्सा न्यू रहेगा, थोड़ा सा ओल्ड रहेगा, थोड़ा सा न्यू, थोड़ा सा ओल्ड, थोड़ा सा न्यू, थोड़ा सा ओल्ड, क्योंकि डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते डीएनए के, और टुकड़ों के ऊपर नए डीएनए तैयार हो जाते. सो उसकी वजह से फिर क्या होता, कुछ हिस्सा न्यू, कुछ हिस्सा ओल्ड, कुछ हिस्सा न्यू, कुछ हिस्सा ओल्ड, ऐसा बन के ये डीएनए जुड़ जाते. सेम इधर होगा, तो डिस्पर्स हो जा रहा, देखो पूरा पैरेंटल डीएनए, और नया बने वाला डीएनए भी पूरा डिस्पर्स मैटर फॉर्म में तुमको मिलेगा. समझ रहा फर्क ध्यान में आ रहा, तीनों टाइप का. अपना डीएनए सेमी कॉन्जर्वेटिव रहता, एक पूरा नया बनता, एक नया, एक पैरेंटल रहता हर डॉटर डीएनए में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक पूरा नया बनते दोनों स्टैंड और वो जुड़ जाते और पैरेंटल स्टैंड जुड़ के वापस एक डॉटर में और एक ये डॉटर. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में डिस्पर्सिव डीएनए रिप्लिकेशन, पहले डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे एंड दैट फ्रेगमेंट्स विल रिप्लिकेट एंड देयर फॉर दी डॉटर डीएनए विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड एज वेल एज ओल्ड स्ट्रैंड. इधर कॉम्बिनेशन नहीं है, इधर कंप्लीटली न्यू, कंप्लीटली पैरेंटल, ऐसा कॉम्बिनेशन. इधर एक ही स्ट्रैंड पे पैरेंटल न्यू, पैरेंटल न्यू, ऐसे कॉम्बिनेशन मिले. ठीक है, दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ रिप्लिकेशन. बट इन आवर बॉडी, इन आवर मोस्ट ऑफ दी प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, वी विल सी दिस टाइप, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन, एंड दिस वाज गिवन बाय योर वैटसन एंड क्रिक. वैटसन और क्रिक ने बोले थे कि अपने इसमें ऐसा रिप्लिकेशन मिले, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करे थे 1958 में. 1958 में मेसलसन, मैथ्यू मेसलसन एंड स्टाल, मैथ्यू मेसलसन एंड स्टाल, स्टाल उनके साइंटिस्ट और मेसलसन, बाय यूजिंग नाइट्रोजन नॉर्मल एंड हेवी आइसोटोप दैट इज N15 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. इट इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट इज हेवी आइसोटोप. रिमेंबर हेवी है, रेडियोएक्टिव नहीं, रेडियोएक्टिव हर्षी चेज ने यूज करे थे, क्या था, S15 और P32, S35 और P32 कुछ तो भी था क्या. सो वो जो था तुम्हारा हेवी, वो रेडियोएक्टिविटी थी,
यहाँ पे रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज नहीं करने का, नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप यूज करने का अपने को, हेवी आइसोटोप नॉट रेडियोएक्टिव, इवन एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड दोनों में ब्रैकेट में लिखा रहा है। ये पॉइंट स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी दोनों को कॉमन है, तो दोनों ने अच्छे से समझ के लो क्या बोल रहा मैं। थोड़ा सा टिपिकल एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा ही ध्यान दो आपको क्लिक हो जाएगा कि क्या करने का, क्या प्रूव करने का। अभी एक्सपेरिमेंट का प्रूफ क्या का कोशिश कर रहा, इट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेट कैसा होता, सेमी कंजर्वेटिव मोड से रिप्लिकेट होता, मतलब एक नया स्ट्रैंड बनता और एक उसके ऊपर पैरेंटल स्ट्रैंड बनता, ये प्रूव करने का है। तो एक डॉटर स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है, ये प्रूव करने का, ठीक है। अब ये प्रूव करने के लिए दोनों ने क्या यूज करे, दे यूज्ड हेवी एंड नॉर्मल नाइट्रोजन, हेवी आइसोटोप एंड नॉर्मल आइसोटोप। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 रहता, लेकिन उसमें एक ज्यादा आ गया प्रोटॉन वगैरह, तो उसका नंबर बढ़ जाता एक, वो हेवी हो जाता उसका, ओके। रेडियो एक्टिव नहीं बोल रहा मैं, बार बार बोल रहा, ध्यान में रखो। सो ये यूज करें, ठीक है। अब ये यूज कैसा करें, सो उन्होंने दो कंपाउंड यूज करे, NH4Cl यूज करे, अमोनियम क्लोराइड, और इधर भी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन इसमें का जो अमोनियम क्लोराइड में का नाइट्रोजन है वो N14 था, नॉर्मल नाइट्रोजन था। उन्होंने ऐसा अमोनियम क्लोराइड बनाया जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन था, लेकिन पहले उन्होंने दूसरा एक नाइट्रोजन बनाया जिसके अंदर N15 था, नाइट्रोजन हेवी था, और वो नाइट्रोजन को कंबाइन करके उन्होंने ऐसा अमोनियम क्लोराइड तैयार किया, ठीक है। अब ये अमोनियम क्लोराइड को उन्होंने ये वाला तो अपने को नॉर्मल भी मिल जाता मार्केट में, लेकिन ये स्पेशली क्रिएट करना पड़ा उनको, ओके। अब उन्होंने ये वाले को जाने दो, इसको बाजू में रख दो, अभी बाद में काम है, पहले हेवी वाला लो और इसको एक प्लेट के अंदर एक मीडियम जो बनाया अपन ने, ई कोलाई को ग्रो करने का एक मीडियम तैयार करने का, आर्टिफिशियल मीडियम, अगर अगर सॉल्यूशन, सॉल्ट अपना पाउडर डालने का, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स डालने के, प्रोटीन्स डालने के, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो करने का, ई कोलाई। दूसरा यूज क्या करे उन्होंने, ई कोलाई, ई कोलाई मतलब इशेविशिया कोलाई, इशेविशिया कोलाई बैक्टीरिया, स्पेलिंग देख लो उसके, इशेविशिया कोलाई, ये बैक्टीरिया यूज। अब ये बैक्टीरिया को हैप्पी ग्रो करे, एक बैक्टीरिया डाल दिए, दो डाल दिए, तीन डाल दिए, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो न्यूट्रिशन लेंगे वहां से और ग्रो होगा। न्यूट्रिशन लेके क्या करेगा, नाइट्रोजन को यूटिलाइज करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन यूटिलाइज करेगा, खुद के केमिकल्स बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि तुम देख रहे हो, इसको अपन कौन सा नाइट्रोजन खाने को दे रहे, हेवी नाइट्रोजन थ्रू अमोनियम क्लोराइड, थ्रू अमोनियम क्लोराइड। सो ये हेवी नाइट्रोजन कहाँ जाके पैक होगा, उसके डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस में पैक होगा, उसकी बॉडी के प्रोटीन्स में भी यही नाइट्रोजन रहेगा, जहां जहां नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स रहेंगे वो इकोलाई के, ऑल दोस कंपाउंड्स ऑफ दैट इकोलाई विल बी हैविंग हेवी नाइट्रोजन इन देम। सो इसके डीएनए में भी क्या हो जाएगा, फिर इसका जो डीएनए बनाया रहेगा पूरा, ये जो इकोलाई है विच इज वी आर गोइंग टू कल्चर इट, उन्होंने उसको कल्चर करे ऑन अ मीडिया हैविंग हेवी नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl, एंड हेंस द डीएनए, उसका जो डीएनए रहेगा वो डीएनए कैसा रहेगा, हैविंग उसके जो दोनों स्ट्रैंड रहेंगे, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है, सो एक ये वाले स्ट्रैंड के भी जो जितने नाइट्रोजन बेसिस है, अब नाइट्रोजन बेसिस रहते हर स्ट्रैंड पे अपन ने डीएनए का स्ट्रक्चर देखे, तो वो जो आइडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन उनमें जो नाइट्रोजन रहता अलग अलग जगह पे, सो वो नाइट्रोजन N15 इसमें भी रहेगा, ये स्ट्रैंड के भी पूरे हेवी रहेंगे और इसके भी ऊपर पूरे हेवी रहेंगे, N15 दोनों स्ट्रैंड कैसे रहेंगे, N15 नाइट्रोजन इस भरा रहेगा, क्योंकि अपन उसको खाने को N15 दे रहे, तो N15 उसके पूरे बॉडी के कंपाउंड में जाके, उसके पूरे सेल के कंपाउंड में जाके घुस के बैठ जाए। N14 कहीं भी सप्लाई नहीं करने का, इसके लिए उन्होंने ऐसा स्पेशली अमोनियम क्लोराइड तैयार करे, ऐसा अमोनियम क्लोराइड तैयार करे विच इज हैविंग हेवी नाइट्रोजन इन इट, समझा। तो ये पहली स्टेप समझ में, दे यूज्ड हेवी अमोनियम क्लोराइड एंड दैट अमोनियम क्लोराइड वाज फीड इट टू द इकोलाई टुक अप इट फ्रॉम द कल्चर मीडिया एंड हेंस इट सिंथेसाइज्ड इट्स डीएनए, ऑल दैट डीएनए वाज हैविंग N15 इन इट्स ऑल नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने डीएनए को लेबल कर दिया, जैसा हर्षी चेज ने फॉस्फोरस डाले थे, सल्फर डाल के लेबल करे थे, सो इनका डीएनए कैसा लेबल हो गया, दिस डीएनए इज लेबल्ड विद हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। सो ऐसे डीएनए को अपन हेवी डीएनए बोल दिए, तो समझ में आ जाएगा तुमको कौन सा डीएनए, प्योरली हेवी डीएनए, क्योंकि उसके हेवी आइसोटोप एक ज्यादा है ना इसका वजन, ये लाइट डीएनए बोलेंगे इसको, इसका हेवी बोलेंगे, ठीक है। अपन ने ऐसे इकोलाई तैयार करे दैट इकोलाई हैड हेवी नाइट्रोजन और हेवी डीएनए, ठीक है। अब ये जो हेवी डीएनए वाले हैं, इनको क्या करने का,
अब नॉर्मल डी नॉर्मल एनएच फोर सी एल के ऊपर ग्रो करने, अब कौन से एनएच फोर सी एल पे ग्रो करने का, इन इकोलाई को उठा के एक नॉर्मल प्लेट बनाने का, इसमें एनएच फोर सी एल डालने का, लेकिन अब कौन सा एनएच फोर सी एल डालने का, नॉर्मल, अब कौन सा डालने का, नॉर्मल। तो शुरू क्या होगा फिर, इसके ऊपर ये इकोलाई डाले, मैं उसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा क्योंकि उसके अंदर एन फिफ्टीन वाला डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए रिप्लीकेट होगा, अब ये क्या करेगा, पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। अब इकोलाई क्या होता, एक इकोलाई से दो इकोलाई तैयार करने के, तुमको एक इकोलाई से दो इकोलाई तैयार करने के, सो इसके लिए माइटोसिस होता और इसके लिए टाइम लगता 20 मिनट्स। कितना टाइम लगता, 20 मिनट्स। मीन्स इश्चेरिश्चिया कोलाई डिवाइड्स एवरी 20 मिनट्स, लिख के रखो एमसीक्यू, इश्चेरिश्चिया एमसीक्यू, लास्ट लाइन एमसीक्यू, लास्ट लाइन एमसीक्यू, एनसीईआरटी में देखो नीचे दिया था राइट साइड के पेज पे डायग्राम के नीचे। सो इश्चेरिश्चिया कोलाई डिवाइड्स एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट का डबल हो जाता, तो एक के दो हो जाएंगे, अगले 20 मिनट के बाद क्या हो जाएंगे, दो के चार हो जाएंगे, फिर अगले 20 मिनट के बाद चार के आठ, आठ के 16, ऐसे डबल होते जाएंगे हर, क्योंकि माइटोसिस से डिवाइड होते सिंपली से। तो उसके अंदर का जो डीएनए उसकी भी दो कॉपी बन जाएंगे, मतलब रिप्लिकेशन हो जाएगा डीएनए का भी, हर 20 मिनट के बाद वो रिप्लिकेट हो। लेकिन अब क्या होगा, देखो अब दिमाग लगाओ क्या होगा, अंदर सिर्फ ये ब्लू कलर के दो ही स्ट्रैंड है, ब्लू कलर के दो स्ट्रैंड है, राइट, ब्लू कलर के दो स्ट्रैंड। 20 मिनट के बाद क्या होगा, इसका सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन होता, इसका कैसा रिप्लिकेशन होता, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब ये जो दो डॉटर्स बन रहे, एक डॉटर डीएनए, एक डॉटर बैक्टीरिया, दूसरा डॉटर बैक्टीरिया, तो इसके पास ये एक स्ट्रैंड इसको मिल जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड इसको मिल जाएगा, एक स्ट्रैंड इसको, दूसरा स्ट्रैंड इसको, और अब जो उनके ऊपर दूसरे दूसरे स्ट्रैंड बनाने के, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड रहता, तो यहां से अमोनिया इसके अंदर जाएंगे, सॉरी नाइट्रोजन इसके अंदर जाएगा, लेकिन अब नाइट्रोजन कैसा मिल रहा हो बैक्टीरिया को, अब नॉर्मल नाइट्रोजन मिला, लाइट नाइट्रोजन अवेलेबल करके दी तुमने, अब हेवी देने का ही नहीं, अपन ने ऐसा मीडियम तैयार करने का जिसमें लाइट नाइट्रोजन है, सो लाइट नाइट्रोजन जाके फिर दूसरा स्टैंड बनेगा और लाइट नाइट्रोजन से फिर अपने को ऐसा डीएनए तैयार वाला मिलेगा। देखो दोनों अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रहा था, पहले कैसा डीएनए लिए थे, दोनों ब्लू कलर, मतलब दोनों हेवी डीएनए था, दोनों हेवी डीएनए था, बाद में उसमें लाइट डीएनए ऐड करे अपन ने ब्लैक कलर, क्योंकि 50% लाइट 50% लाइट, मतलब अपने को कैसा स्ट्रैंड मिला, एक स्ट्रैंड में N14 है और एक स्ट्रैंड में N15 है। शुरुआत कैसा करे थे, दोनों स्ट्रैंड कैसे थे, शुरुआत में N15 हेवी स्ट्रैंड थे, शुरुआत के स्ट्रैंड कैसे थे अपने, हेवी स्ट्रैंड थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो है, दिस इज द पैरेंटल जनरेशन, ये पैरेंट था, अपन उसको मेन ग्रो करें, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस फर्स्ट जनरेशन आफ्टर 20 मिनट्स, दिस फर्स्ट जनरेशन ऑन दिस मीडिया प्लेट विल हैव हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डीएनए, कैसा डीएनए, हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डीएनए। हाइब्रिड क्यों बोलने का, क्योंकि ये डीएनए पूरा हाइब्रिड है, कैसा हाइब्रिड है, इसमें 50% हेवी चेन है, हेवी स्ट्रैंड है और 50% लाइट स्ट्रैंड, सिमिलरली इसमें भी एक हेवी है एक लाइट है, ऐसा स्ट्रैंड है, N14 वाला स्ट्रैंड है एक N15 वाला स्ट्रैंड, लेकिन इसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं, मतलब हेवी डीएनए, पर समझ रहे क्या कर रहा मैं, सिंपली उसको ग्रो करा भी इधर। अब ये ऐसी प्लेट रहने देने का, ये प्लेट एक जनरेशन हो गई, इसको और 20 मिनट रहने देने का, तो अगले 20 मिनट के बाद क्या होगा, अगला 20 मिनट मतलब 40 मिनट हो जाएंगे टोटल टाइम, प्लस 20 मिनट्स, प्लस 20 मतलब ये 20 मिनट्स और ये 20 मतलब टोटल 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के बाद तुम थोड़े से वहां पे से इकोलाई उठा लेने के, अब तुमको चार इकोलाई मिलेंगे, एक दो, ये इकोलाई के दो हो जाएंगे, वैसे इसके भी दो हो जाएंगे, तीन चार, करेक्ट, इसके भी चार इकोलाई हो जाएंगे, लेकिन अब कैसा होगा देखो, अब ये दो स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे, एक ब्लू ऊपर चले जाएंगे या फिर ब्लू नीचे रहने दो, इसका ब्लू यही पे रहने दो, ठीक है, लेकिन ब्लैक ऊपर चले जाएगा और इसका ब्लैक इसको मिल जाएगा, दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे ना, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों डॉटर्स में चले जाएंगे, प्लस अब ये दूसरा दूसरा स्टैंड तैयार करने का इनके ऊपर, तो इनको खाने को कौन सा नाइट्रोजन दे रहे अपन, N14 मतलब ब्लैक वाला, तो इसके ऊपर एक ब्लैक वाला और एक तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर एक ब्लैक तैयार हो जाएगा, समझ रहा, सिमिलरली इसके ऊपर एक ब्लैक तैयार कर लो और इसके ऊपर एक ब्लैक तैयार कर लो, समझ रहा मैं क्या कर रहा,
पहले मैंने ऐसा डबल वाला करा था ब्लू वाला, उसको स्पेशली 15 वाला नाइट्रोजन दिया था, अब उसको 14 वाले पे ग्रो करूंगा तो 15 15 वाले एक एक अलग हो जाएंगे और 14 14 वाले एक एक डेवलप हो जाएंगे, मतलब सब हाइब्रिड मिले। अगली स्टेज में क्या होगा, 15 वाला उतना ही रहेगा, 15 वाला बढ़ने आना है क्या, नहीं, N15 वाला उतना ही रहेगा क्योंकि उसको थोड़ी खाने को दे रहे, 15 वाला थोड़ी दे रहे, सो वो दो ही रहेंगे ब्लू कलर के। नए कौन से बनेंगे, ब्लैक कलर के, मतलब N14 वाले नए बनेंगे। तो इसमें दोनों नए, इसमें एक ही नया, इसमें दोनों नए, इसमें एक नया, ऐसा करके। सो देखो अब क्या हो जा रहा, तुमको ये कैसा मिलेगा, इसमें दोनों के दोनों N14 N14 है, इसमें भी N14 N14 है, प्लस ये कैसा है, हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, समझ रहा। सो हेवी डीएनए क्या था, दोनों N15, लाइट डीएनए दोनों N14, हेवी डीएनए लाइट डीएनए, क्या नोटेशन यूज कर रहा मैं समझना ना, N14 N14 रहा तो क्या बोलने का उसको, लाइट डीएनए, और एक N14 और एक N15 रहा तो ये हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डीएनए, ये नोटेशन लिख के रख लो भाई, तो ठीक है। सो इस तरीके से अपने को जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, सो ये स्टेप्स ऐसे बढ़ते रहेंगे और तुम्हारे को डीएनए फिर भी ऐसे चलते रहेगा। अब इसके आगे की स्टेप बनाओ, भला क्या होंगी, 60 मिनट के बाद कितने सेल्स बन जाएंगे, 4 के हो जाएंगे 8, और ये 20 मिनट के बाद 2 बने, एक सेल थी 20 मिनट के बाद 2 बने, अगले 20 मतलब 40 मिनट के बाद 4 हो जाएंगे, अगले 20 मतलब 60 मिनट के बाद 8 हो जाएंगे, और अगले 20 मतलब 80 मिनट के बाद 16 हो जाएंगे, बराबर है। लेकिन देखो एक एक तुम अगर दिमाग लगाए तो 16 में से क्या होगा, ये जो दो हाइब्रिड है तो वैसे दो हाइब्रिड हमेशा चलते रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये ब्लू कलर के दो ही रहेंगे अपने पास, बना के देखते वो वाली सेल बना के देखते, वो ब्लैक कलर वाले के दो बनाओ तो एक दो, फिर इसके दो बनाओ एक दो, फिर वो हाइब्रिड के दो बनाओ एक दो, और एकदम नीचे लेके दो एक दो, ठीक है। ये अपन 16 वाला अपन देखेंगे वापस, अब कैसे बनेंगे देखो सेल्स, वो ब्लैक दोनों अलग कर दो, ये एक ब्लैक इसको, एक ब्लैक इसको, सेम नीचे वाले के ब्लैक दोनों अलग, ओके, इसका ब्लैक अलग, इसका ब्लैक अलग, ब्लैक इसको, इसका ब्लैक अलग, और ब्लू दोनों के अलग कर देंगे, तो एक ब्लू इधर एक ब्लू इधर, समझा, मैंने कहा था ये सेपरेट करा ना, ये इधर एक गया एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया, ओके, तो वैसे सेपरेट। अब टोटली नवे कैसे बनेंगे, पूरे ब्लैक बनेंगे क्योंकि लाइट अमोनिया अपन नाइट्रोजन खाने को दे रहे, तो इसके ऊपर ब्लैक, इसके ऊपर भी ब्लैक, इसके ऊपर ब्लैक, इसके ऊपर ब्लैक, इसके ऊपर ब्लैक, मतलब अपन जितने भी स्टेप बढ़ाएंगे तुम तो तुमको सिर्फ दो हाइब्रिड मिलेंगे, हाइब्रिड कितने मिलेंगे, दो, और ब्लैक कलर के भी रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ब्लैक कलर के बच्चे पूरे ब्लैक रहेंगे, राइट। सो जनरेशन जितनी बढ़ेगी, सेल्स उतनी बढ़ेगी, तो परसेंटेज क्या रहेगा तुम्हारा, डिफरेंट होते जाएंगे हर जनरेशन के बाद, लेकिन हाइब्रिड हमेशा दो चलते रहेंगे। अगर 16 वाले तो 16 में से दो ये रहेंगे और बच्चे 4 क्या रहेंगे, 14 क्या रहेंगे, 14 क्या रहेंगे, तुम्हारे लाइट वाले रहेंगे, ओके। तो इसका एक चार्ट बना लो, ये इसका मैं आगे बताता हूं एक्सपेरिमेंट क्या है, लेकिन चार्ट पहले कैसे बना लेने का, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, अभी अपन कुछ यहाँ पे से जो अपने को सिंप्लीफाई करके याद रखने की वो चीज बता रहा मैं। सो नंबर ऑफ जनरेशन, ओके, जीरो जनरेशन मतलब पैरेंटल जनरेशन, ब्रैकेट में लिख लो जीरो मतलब पैरेंटल जनरेशन, ओके, इसमें हेवी, हाइब्रिड और लाइट, ऐसे तीन प्रकार के देखेंगे अपन कौन सा डीएनए रहता, कितना परसेंट रहता, ठीक है, रेशियो देखेंगे उनका, बनाएंगे अपन अपने हिसाब से। सो पैरेंट में कैसे थे अपने, दो हेवी स्ट्रैंड थे बराबर, हेवी स्ट्रैंड्स, हाइब्रिड स्ट्रैंड्स और स्ट्रैंड्स, दोनों लाइट, सो दोनों हेवी वाले कितने थे, दो थे, हाइब्रिड जीरो थे और लाइट जीरो थे, शुरुआत अपन ने दोनों एन हेवी किसको बोलते हैं, N15 N15 इसको हेवी बोलते, वैसे हाइब्रिड N14 N15 एक अलग और लाइट बोल दो N14 N14, ठीक है। तो हेवी वाले कितने बने थे, शुरुआत में अपन ने दोनों N15 वाले लिए थे, राइट, तो मतलब जो पैरेंटल डीएनए था उसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड हेवी थे, ओके। अब इसके बाद मतलब फर्स्ट जनरेशन अगर तुमने देखे, फर्स्ट जनरेशन, सो फर्स्ट जनरेशन में 100% हाइब्रिड हो गए थे, 100% हाइब्रिड हो गए थे, मतलब ऐसे दोनों के दोनों थे, ये एक था शुरुआत में और ये दो हो गए, फिर
राइट, दोनों जो डीएनए बने तो दोनों के दोनों हाइब्रिड डीएनए थे। शुरुआत का डीएनए अपना एक डबल स्टैंडर्ड एक ही था हेवी, उसके बाद डबल स्टैंड हाइब्रिड वाला डीएनए दो, लाइट वाला भी नहीं था और इसमें हेवी वाला कोई बचा ही नहीं। अब हेवी वाला कोई बचने वाला नहीं है, आखिरी तक अपने ड्रॉ नहीं करे। सेकेंड जनरेशन अगर लिए टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम आफ्टर 20 मिनट्स इसको लगेंगे 40 मिनट्स, तो 40 मिनट के बाद अगर अपन ने ये जनरेशन लिए तो तुम्हारे को हाइब्रिड तो हमेशा दो रहेंगे, लेकिन अब एक के हो गए दो, दो के हो गए चार, दो के हो गए चार, एक के हो गए दो, दो के हो गए चार, तो चार में से दो ये है, तो बचा ले दो तुम्हारे लाइट थे क्या अभी अपन ने ड्रॉ करे, बचा ले दो लाइट हो गए। क्या कर रहा मैं समझ रहा क्या, शुरुआत कहां से करे थे, दोनों ब्लू कलर वाले 15 वाले ठीक है, फिर बाद में एक ब्लू एक ब्लैक, एक ब्लू एक ब्लैक मतलब दोनों हाइब्रिड हो गए, दोनों हाइब्रिड हो गए, फिर ब्लू ब्लैक वाला जो कॉम्बिनेशन है, ब्लू ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन वो हमेशा दो ही चलेंगे, हाइब्रिड हमेशा दो ही रहेंगे, क्योंकि ब्लू सिर्फ दो लाइन से अपने पास, तो वो जितनी भी जनरेशन लेंगे तो तुम्हारे को हाइब्रिड दो ही मिलेंगे, लेकिन बचे वाले जो रहेंगे डबल करके जाने के नंबर, सो एक के हुए दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस, ऐसा चलन देने का, सोलह सोलह के बत्तीस, बत्तीस के चौसठ, ऐसा डबल करते जाने का हमेशा सेल्स को, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा हर 20 मिनट के बाद। सो चार में से दो हाइब्रिड है तो बचा ले दो क्या हो जाएंगे लाइट, हेवी बनने के चांस ही नहीं, क्योंकि अपन हेवी खाने को नहीं दे रहे, लाइट खाने को दे रहे, उसको लाइट नाइट्रोजन दे रहे हैं, फोर्टीन दे रहे। वैसे आठ में से दो ही है तो बचा ले छह, सोलह में से दो ही है तो बचा ले चौदह, बत्तीस में से दो बचा ले तीस, चौसठ में से दो बचा ले बासठ, 62 परसेंटेज तुम निकाल सकते। इधर क्या है 100% हेवी 100% हाइब्रिड, अब दो दो बोल तो 50-50 हो गए, तो 50% हेवी 50% हाइब्रिड 0% हेवी। अब इसके बाद से हेवी बनेंगे इसलिए 0% रहेगा। अभी इधर देखो 1:3 ये एक ये तीन बराबर है, 2/6 बोल तो 1:3 ना, 1:3 रेशो रहेगा इनका। वैसे इनका रेशो 1:7, इसका रेशो 1:15, 1:31 ऐसा रेशो चलते रहे। तो आपको एमसीक्यू में पूछते आफ्टर 80 मिनट्स, अब ये 20 मिनट के बाद ये 40 ये 60 ये 80, ये 60 मिनट के बाद बनेंगे इतने और 80 मिनट के बाद तुमको 16 सेल्स मिलेंगे बराबर है, सॉरी ये 20 मिनट का दिखते हैं, 40 मिनट के बाद, 60 के बाद, 80 के बाद तुमको 16 सेल्स मिलेंगे। सो 16 में से दो रहेंगे हाइब्रिड और 14 रहेंगे हेवी। आपको क्वेश्चन पूछा था लास्ट में वो देखो, 16 में से दो हेवी हाइब्रिड रहेंगे और 14 रहेंगे लाइट। ये तुम्हारे को रेशियो का आंसर लिखने का लास्ट में जापे भी दिया है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट एंड होता है वहाँ पे कैन यू आंसर, कैन यू फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ हेवी एंड हाइब्रिड स्ट्रैंड्स और लाइट एंड हाइब्रिड स्ट्रैंड्स आर फाउंड आफ्टर 80 मिनट्स। सो 80 मिनट्स के बाद तुम्हारे कितने जनरेशन होते हैं निकालो और ऐसा ठीक है। ये तो हो गया ग्रोथ वाला पार्ट, एक बार अगर यहां तक नहीं समझे तो प्रीवियस जाके वापस से देखो वीडियो मैंने क्या करा, तो तुम्हारे को समझेगा। यहां तक तो हो गया ग्रोथ वाला पार्ट, ये डब्बा बना के रख लो ठीक है। अब फिर से एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ, तो जो तुमने ये बैक्टीरिया बनाए थे अपने को पता कैसा चला कि ये डबल बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया का फिर एक इधर गया बराबर, ऐसी डायग्राम तुमको दिख रही क्या, स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी में भी है क्या ऐसी डायग्राम, ओके ये आफ्टर दिस इज पैरेंटल जनरेशन, दिस इज आफ्टर फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज द सेकंड जनरेशन, 20 मिनट 40 मिनट के बाद तुमको ऐसा मिले राइट। ये पता कैसे चला कि इसमें हेवी है, इसमें इंटरमीडिएट है, इसमें इंटरमीडिएट प्लस लाइट है, ये पता कैसे चला, तो ये कंपैरिजन करने के लिए दोनों का डीएनए पता करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स को एस्टिमेट करने के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट बोल के एक टेक्निक रहती, ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम
ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक, सीजियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे बीच में एक वर्ड ऐड करो, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक, सीजियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डेंसिटीज ऑफ डीएन, टू आइडेंटिफाई द डेंसिटीज ऑफ डीएन. अब एक डीएनए हेवी डीएनए, क्योंकि इसमें एन फिफ्टीन है, ये एन फिफ्टीन वाला डीएनए इसको मैंने हेवी बोला, और एन फोर्टीन वाला डीएनए उसको मैंने लाइट बोला. एन फोर्टीन वाला डीएनए इट इज लाइट डीएनए, और एक इंटरमीडिएट है जिसमें हेवी भी है लाइट भी, उसको हाइब्रिड बोले अपन, राइट. ये पता कैसा चलता? सो जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड रहती, आपको सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक मालूम है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको सेंट्रीफ्यूगी मशीन मालूम रहती, सबको मालूम होगा सेंट्रीफ्यूगी क्या रहता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था, एक मशीन रहती, वो मशीन के अंदर बीच में एक एक्सिस रहता, नीचे मोटर लगा रहती, मोटर का एक्सिस रोटेट होता, वो जो शाफ्ट रहता वो रोटेट होता पंखे की जैसा, ऐसा रहता पंखा ऊपर से रहता, मशीन नीचे से इमेजिन करो, वो रोटेट होता तो उसको काड़ा लगा रहती, ऐसे स्टैंड लगा रहते, और वो काड़े के ऊपर टेस्ट ट्यूब्स रहती, ये बीच में का इधर से मशीन है ऐसी, राइट, और इसके ऊपर ऐसे उसके ऊपर रॉड्स लगे रहते, रॉड्स में इधर टेस्ट ट्यूब होल्डर्स रहते, उनके अंदर टेस्ट ट्यूब रख सकते तुम, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब्स जो रहेंगे वो इसके अंदर रख देता है ऐसे, एक टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट, ठीक है, ऐसे चार छह बराबर इक्वल नंबर में टेस्ट ट्यूब्स रहते, इधर एक उसको बैलेंस में इधर, ये रहता तुम्हारा टेस्ट ट्यूब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. अब इसके जब ये शाफ्ट रोटेट होगा, सो ये जब बीच में का रोटेट होगा, सो टेस्ट ट्यूब्स पूरे घूमने लगेंगे, और टेस्ट ट्यूब्स पूरे जाके साइड में खड़े हो जाएंगे, सो टेस्ट ट्यूब तुमको ये जो रॉड है ऐसी, टेस्ट ट्यूब तुम्हारी ऐसी हो जाएंगी जाके, टेस्ट ट्यूब स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, इसका जो इधर पूरा रिंग है बराबर पैकिंग रहती, खुलती टेस्ट ट्यूब निकलती, सो जब वो रॉड रोटेट होता तो टेस्ट ट्यूब पूरे दूर की तरफ फेंके जाते, अवे फ्रॉम सेंटर वो फोर्स एक्ट होती. अब ये टेस्ट ट्यूब में तुमने जो भी सॉल्यूशन डाले आला है, पानी वगैरह कुछ भी डाले आला है, तो वो जो सॉल्यूशन रहता, वो सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे हेवी चीजें रहेंगी, सबसे हेवी चीजें सबसे ज्यादा दूर डिपॉजिट होंगी, और सबसे लाइट चीजें, जितनी लाइट चीज रहेंगी वो उतनी इधर इधर डिपॉजिट होंगी. सबसे हेवी चीज रहती मास, वजन, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो चीज एकदम बॉटम को जाके डिपॉजिट होगी, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट होगा, जो ज्यादा वजनदार चीज रहती है वो ज्यादा दूर फेंके जाती ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो वाइज इज हेवी पार्टिकल्स, मोस्ट डेंस पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड, दे आर सेडिमेंटेड एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, एंड लाइट पार्टिकल्स विल बी डिपॉजिटेड एट द टॉप, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, बराबर है. अब जब मैंने क्या करा, इमेजिन करो ये टेक्निक सबको मालूम है कि इधर सबसे हेवी चीज रहेंगी, इधर लाइट चीज रहेंगी, तो जो भी मुझे फिर कलर रहेगा, तो हेवी चीजें जनरली इधर ऐसा डार्क कलर दिखाई देता है, हेवी चीजों का बैंड इधर आता और लाइट चीजों का बैंड इधर आता. बैंड मतलब क्या आता, उनकी एक लेवल रहती, वो वहीं पे उनके जहां पे उनको बैठने का रहता सॉल्यूशन में, वो बैंड उनका वहां पे तैयार होता, ठीक है. सो आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स को भी अपन ऐसा सेपरेट कर सकते, प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते. सो सीजियम क्लोराइड नाम का एक केमिकल, सीजियम क्लोराइड, ये एक सॉल्यूशन रहता है, एक सॉल्ट है, ये सीजियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, इसका जो डेंसिटी रहता, इसकी जो डेंसिटी रहती 1.65 से 1.75 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके कितने रहते 1.765 से 1.75 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी उसकी रेंज में उसकी डेंसिटी रहती. डेंसिटी मतलब उसको वजन, डेंसिटी मतलब क्या रहता, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो ये जो सॉल्ट रहता, अगर इसको सॉल्ट को सॉल्यूशन बनाया तुमने और फिर उसको डेंसिटी ग्रेडियंट में घुमाया, तो जो 1.65 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा वो सबसे हेवी रहेगा, वो इधर डिपॉजिट होगा, और 1.75 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब उसके यहाँ पे डिपॉजिट होगा. सो सॉल्ट का डिपोजिशन ऐसा होता एक सोल्यूशन में, ठीक है, जितना हेवी सॉल्ट रहेगा उतना बेस पे जाके डिपॉजिट होगा ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके. अब जो अपने न्यूक्लिक एसिड से डीएनए आ रहे हैं, उनका भी न्यूक्लिक एसिड्स उनकी भी जो डेंसिटी रहती यही रेंज में रहती, लिख के रखो एमसीक्यू, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स रेंज बिटवीन 1.65 टू 1.75 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी सीजियम क्लोराइड की जितनी रहती.
तो अगर अपना डीएनए भी डिपॉजिट होगा तो जो डीएनए का वजन 1.75 है वो डीएनए यहाँ पे डिपॉजिट होगा, और जो डीएनए का वजन 1.65 है जो इधर होगा वो हेवी डीएनए इधर डिपॉजिट होगा। समझ रहा? मतलब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे सीजियम क्लोराइड और डीएनए इनकी डेंसिटी मैच कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में लाएंगे और इक्विलिब्रियम में फिर वो दोनों एक साथ डिपॉजिट होंगे, लाइट डीएनए इधर डिपॉजिट होगा, हेवी डीएनए इधर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन कौन सा डेंसिटी ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड इज हैविंग अ रेंज ऑफ 1.65 टू 1.75 एंड दिस इज द रेंज ऑफ और न्यूक्लिक एसिड्स डेंसिटी, इनकी भी डेंसिटी ये रेंज में है। देयरफॉर वी आर यूजिंग विच ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि इसमें डीएनए का और सीजियम क्लोराइड का इक्विलिब्रियम आएगा, सो दोनों ऐसे एक जगह पर डिपॉजिट है। हेवी सीजियम क्लोराइड नीचे डिपॉजिट होगा, उसके साथ में हेवी डीएनए डिपॉजिट होगा, और लाइट सीजियम क्लोराइड ऊपर डिपॉजिट होगा, उसके साथ में लाइट डीएनए डिपॉजिट। ओके, तो अपने पास अगर मैंने वो बैक्टीरिया थे तो मेरा बैक्टीरिया ये हेवी बैक्टीरिया था। अब ये सब चीजें जान दो, अब डायरेक्ट डिपोजिशन कैसा होगा देखो, अब तुमको जो डायग्राम में दिख रहा है ये जो मेरा बैक्टीरिया है पहला एकदम पैरेंट जिसको अपन ने खाने को N15 दिया है, तो ये हेवी डीएनए वाला बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया हेवी डीएनए, मैंने ये बैक्टीरिया कुछ निकाला प्लेट में से, उनको फोड़ डाला, उनको डिसॉल्व कर दिया, उनका डीएनए निकाल लिया, उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर, और वो डीएनए को मैंने ये सॉल्यूशन में डाल दिया। सो वो डीएनए का वेट बहुत ज्यादा रहेगा, हेवी रहेगा डीएनए, वो डीएनए बहुत हेवी रहेगा, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका जो बैंड आएगा सबसे नीचे आएगा इधर, N15 का बैंड सबसे नीचे आएगा ना, बराबर। तो आपको जो डायग्राम में दिख रहा है ऐसी टेस्ट ट्यूब है बताए वाली, पैक करे वाली टेस्ट ट्यूब, राइट? तो वो जो घूमते वाली टेस्ट ट्यूब है तो वो साइड में चले जाएंगे, इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्यूब बताए। सो वो जो बैंड दिख रहा है आपको, तो ये जो डीएनए डिपॉजिट हुआ उसका बैंड अपने को यहाँ पे मिलेगा हेवी डीएनए, जबकि इंटरमीडिएट में क्या रहेगा, आधा हेवी है आधा लाइट है, तो उसका बैंड ना इधर आएगा ना बहुत इधर आएगा, इधर बीच में आएगा। तो जो दूसरा वाला तुमको बैंड दिख रहा देखो इंटरमीडिएट वाले का, सो उसका बैंड थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर बैंड है उसका, मैं दोनों कलर ड्रॉ कर रहा तुमको समझने के लिए। ठीक है, ये कैसा है, N14 और N15 का मिक्सचर है, और जो लाइट वाला है तीसरा, लाइट वाला डीएनए, सो उसका स्ट्रैंड कैसा आएगा तुम्हारे को, उसका बैंड कैसा आएगा, टोटली आपको इधर मिलेगा वो बैंड, इसमें लाइट भी मिलेगा तुमको प्लस इंटरमीडिएट भी मिलेगा, लेकिन हेवी मिलेगा क्या, अब हेवी वाले खत्म हो जाएंगे। समझ रहे क्या करा मैंने जितना हेवी डीएनए रहेगा उतना नीचे रहेगा, ठीक है, ये नीचे रहेगा इधर रहना चाहिए था, लेकिन इंटरमीडिएट वाला थोड़ा इधर आएगा बीच में, और एकदम लाइट वाला एकदम ऊपर आना चाहिए टेस्ट ट्यूब में, तो लाइट वाले का स्ट्रैंड एकदम ऊपर आएगा। सो ये जो स्ट्रैंड है ये टोटली N14 का स्ट्रैंड है, और ये वाला जो स्ट्रैंड है N14 के साथ में एक N15 का स्ट्रैंड बैंड। ओके, सो ये इसमें से थोड़ा डीएनए निकाल के सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो उसका बैंड नीचे आता, फिर फर्स्ट जनरेशन के बाद थोड़े से बैक्टीरिया निकाल लेने का, उनका डीएनए सेपरेट करने का, और उसके बाद फिर उसको बैंडिंग कर लेने की, वैसे सेकंड जनरेशन के बैक्टीरिया निकालने का, उनका डीएनए सेपरेट करके उनकी बैंडिंग कर। सो बैंडिंग से ऐसे अलग अलग बैंड्स आते, जब ऐसे बैंड्स आते तो फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकंड आती, और सेकंड के बाद जब ये पैरेंटल के बाद जब फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद जब सेकंड जनरेशन आती मीन्स ये जनरेशन, तो इसमें तुमको हाइब्रिड का तो स्ट्रैंड मिलता ही मिलता, और उसके साथ तुमको न्यू स्ट्रैंड भी मिलता, तो इस पे से समझ में आता कि हाइब्रिड वाला डीएनए जो था अपना वो एज इट इज अगली जनरेशन में आधा आधा गया, अगली जनरेशन में आधा आधा गया और बाकी के नए बने। तो यहाँ पे प्रूव होता सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। लास्ट पॉइंट रीड करो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का क्या है दिया, लास्ट पॉइंट रीड करो, आफ्टर 40 मिनट्स यू विल गेट टू स्ट्रैंड्स टू बैंड्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए अलॉन्ग विद द लाइट डीएनए। लाइट तो बन रहा है पर इसमें हाइब्रिड भी तैयार हो रहा, मतलब क्या हुआ होगा, हाइब्रिड डीएनए एज इट इज पैरेंट इसमें एक गया होगा और हाइब्रिड इसमें गया होगा, मतलब 50% डीएनए इज कंजर्व। दिस डायरेक्टली प्रूव्स दैट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन इज दिस। ओके, सो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ये यही प्रूव करता बाय दिस बैंडिंग बाय यूजिंग सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। आपको ये पता चल जाएगा दिस इज व्हाट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। इसमें उन्होंने जो सॉल्यूशन यूज करे थे 6 मोलर सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज करे थे,
ये भी एमसीक्यू याद रहा हूँ, कितने मोलार का सोल्यूशन रहता, 6 मोलार, बिकॉज इट हैज द डेंसिटी सिमिलर टू डी एन ए. ओके, सो आपको जो स्टेप्स दिया है स्टेट बोर्ड में से अच्छे से रीड करो, एनसीईआरटी में तो ऑलरेडी पॉइंट वाइज दिया है, बस एक बार रिवाइज कर लो. क्या है एक्सपेरिमेंट, दे ग्रू ई कोलाई बैक्टीरिया ऑन हेवी नाइट्रोजन N15 एज वेल एज दैट N15 कंटेनिंग डीएनए ऑफ दैट बैक्टीरिया वॉज आइसोलेटेड एंड इट वॉज बैंडेड यूजिंग दिस डेंसिटी ग्रेडिएंट. That bacteria was taken to fresh medium containing normal nitrogen N14. Then they found that all the bacteria were in the first generation were having hybrid DNA, that is 50% N15, 50% N14. These bacteria were allowed to grow again and they were having a ratio of 50-50, 50% hybrid and 50% new DNA. With this kind of information, they again took the bacteria and they centrifuged them to isolate DNA on again same CSCL gradient technique. उसमें फिर उनको मिले bands and from the observation after 40 minutes, ये याद रखो, 40 मिनट वाले में उनको पता चला, they can give the proof. यहाँ पे पता नहीं चलता semi conservative है, यहाँ पे तो ऐसा लगता है hybrid आ गया बोलते पूरे नवा आ गया, लेकिन यहाँ से पता चलता hybrid रहना और फिर भी नए मिलना, इसपे से पता चलता that DNA is replicating semi conservative. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेसेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट. दो तीन बार रीड करो, अच्छे से रीड करो पूरा एक्सपेरिमेंट, मैंने बताया वाला भी एक बार फिर से देखो. ओके, ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट रहेगा छोटा सा, और मैं वो पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा. टेलर और कलिंग्स बोल के जो दो लोग थे, उन्होंने वीसिया फाबा बोल के सीड्स थे, उसमें ट्रीटिएटेड रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन रहता ट्रिटियम, तो H3 बोलते उसको, राइट. सो ट्रीटिएटेड थायमिन यूज करे और उसके हिसाब से क्या करे, तो उसके बारे में मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. अभी सीरियसली मैं बहुत थक गया, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा लेक्चर था. अच्छे से रीड करो, वापस से देखो दो तीन बार, और उसके बाद तुमको नहीं भी समझा तो मुझे पूछो. ओके, विल सी नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.